देखिए, टिप्स फॉर स्पीडिंग अप योर एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग के स्पीड अप वो हमें क्या करने के लिए है, तो पैसिवली, अगर आप पैसिवली रीड करते हो तो उसमें आप वेस्ट ऑफ टाइम करते हो। आप अपने ब्रांड को ट्रेंड कर सकते हो। उसके ट्रिक है SQ3R टेक्निक। इसका जनरली स्टैंड फॉर इसका है सर्वे क्वेश्चन रिकॉल रिव्यू। अगर SQ3R का टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो इससे आप खूब नॉलेज गेन कर सकते हैं और बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। उसमें आता है सर्वे। सर्वे में क्या आता है, जनरली इंफॉर्मेशन जो थी, जो हमें नीड होती है, उस पर हम फोकस करते हैं ऑन वर्क, और फिर सेट करते हैं एक गोल को। ठीक है, फिर प्रिपेयर फॉर सब्जेक्ट के लिए ये प्रिपेयर करते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह देखते हैं, उसके बाद बोल्ड फेस हेडिंग वगैरह देते हैं उसकी। उसके बाद उसमें मैप ग्राफ चार्ट बना देते हैं जिसका हमें पर्पज़ होता है। ठीक है, और क्वेश्चन फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन। क्या तो क्वेश्चन से क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें माइंड को इंगेज करने में और कंसंट्रेट करने में। ठीक है, जब हम एक्चुअली देखते हैं आंसर, तो कोई भी क्वेश्चन को देखते हैं, टर्न द बोल्ड फेस हेडिंग, और हमें हमेशा थिंकिंग रहती है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। फिर रीड होता है, जब फर्स्ट सेक्शन हम रीड करते हैं क्वेश्चन माइंड में आने के बाद, तो हम आंसर देखते हैं नए क्वेश्चन, अगर कोई ज़रूरी होता है जो हमें पढ़ा हुआ होता है। तो ये उसमें रिकॉल होता है। आफ्टर इस सेक्शन, जब हम कोई सेक्शन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम वापस सोचते हैं जो हमारा क्वेश्चन होता है, और आंसर हम अपने ब्रेन में देखते हैं, जिसे हमें रिकॉलिंग उसको बोलते हैं। जब सब कुछ पढ़ने फिनिश करने के बाद हम फिर से रिव्यू करते हैं कि हमें कितना कुछ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो जनरली 5 मेथड है, इनसे हम अच्छा लर्निंग स्टडी कर सकते हैं।